डॉक्टर एस टी पांडे, निदेशक राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। और ये लीची अनुसंधान केंद्र 2001 से यहाँ स्थापित है और अभी तक अपने 20 साल की यात्रा में लीची के बारे में बहुत सारी तकनीकी और बहुत सारी चीज़ों का विकास यहाँ पर। लीची के बारे में ये बताइए कि इसके लिए कौन सा क्षेत्र, किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए सही मानी जाती है। देखिए, जो लीची का अभी तक के हिसाब से जो जलवायु के आधार पर स्थापित लीची की फसल है, वह जम्मू कश्मीर से लेके और नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय का तलहटी क्षेत्र है, वो क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहा। इन्हीं जगहों पर जो है लीची की खेती अभी तक हो रही है, जैसे जम्मू, पंजाब, हरियाणा का कुछ भाग, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ये पूरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हाँ, बिहार और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो पंजाब में दो जिले हैं, पठानकोट और गुरदासपुर। गुरदासपुर यूपी में जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इधर जो गोरखपुर का क्षेत्र है, अच्छा। देवरिया का क्षेत्र है, लखीमपुर खीरी पीलीभीत, इन क्षेत्रों में जो है बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन इसी तलहटी वाले क्षेत्रों में जो है बहुत। और अब जो है इन क्षेत्रों में विशेषकर यूपी के जो क्षेत्र हैं उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के यहाँ से पौधों की भी डिमांड की काफ़ी है, स्पेशली लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और हरियाणा का जो है करनाल और उसका क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वाले इलाके से बहुत ज़्यादा पौधों की डिमांड है। इसका देहरादून की लीची भी बहुत मशहूर मानी जाती है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है। दोनों की लीची में क्या अंतर है, और अगर हम कहें क्या दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, या दोनों में क्या अंतर है? देखिए, लीची में बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं। लीची की दो वैरायटी हैं, दो किस्में हैं जो भारतवर्ष में व्यावसायिक दृष्टिकोण से उन्हीं दो किस्मों का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने। जैसे मुजफ्फरपुर में जो आपका शाही और चाइना दो वेराइटी हैं, यही वेराइटी जो है चूंकि इसकी उत्पत्ति चाइना से है, तो चाइना के बाद ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के बाद मुजफ्फरपुर, धीरे 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 जम्मू कश्मीर तक जो है इसका फैलाव हुआ। तो जो यहाँ की शाही वेराइटी है वही जो देहरादून में देहरारोज या रोज सेंटर इन नाम से जो है वो जानी, कुछ उत्तर भारत के उसमें गोला के नाम से भी जानी जाती है, कहीं मुजफ्फरपुर के नाम से जानी जाती है, चाइना जो है कहीं पूर्वी के नाम से जानी जाती है, कहीं कलकतिया के नाम से जानी जाती है। तो यही दो वैरायटी हैं जो यहाँ से लेके वहाँ तक कहें। तो जो यहाँ शाही है वो जो देहरादून की अच्छी वैरायटी है, जिसको आप देहरादून फेमस जिसके लिए है, वो शाही वैरायटी है, वो जो देहरा रोज या रोज सेंटर इन लोगों के नाम से जानी। मैंने दो तरह की लीची देखी है, एक तो बहुत लाल सुर्ख होती है ऊपर से, और एक थोड़ी जो देहरादून की लीची है थोड़ी सी हरेपन पर होती है, हरा और लाल सा, बहुत ज़्यादा लाल नहीं होती लेकिन मीठी बहुत होती है। क्या ये दोनों वैरायटी के फ़र्क हैं, या जो केवल उसका समय से तोड़ने का उसका फर्क? नहीं नहीं नहीं, दोनों का फ़र्क है। जो सुर्ख लाल वाली होती है ना, जैसे पूर्वी या चाइना, वो वैरायटी का कलर शाही की अपेक्षा से, या जो आप वहाँ बोल रहे हैं कि देहरादून की वैरायटी जो फेमस है, उसका कलर थोड़ा डिम होता है, लेकिन क्वालिटी उसकी जो है वो बहुत सुपीरियर होती है, बहुत सुंदर क्वालिटी होती है। जो वो शाही वैरायटी है, अच्छा। रोज सेंटेड के नाम से भी है। कहीं अच्छा। कहीं होता क्या ना कि ये जो जलवायु और जो जमीन है इसका असर बहुत, जो फ्लेवर वगैरह है इन सब पे बहुत पड़ता है। जैसे मुजफ्फरपुर में वो एक रोजी फ्लेवर देती है वो शाही वैरायटी, तो कहीं सेम वैरायटी रोज सेंटेड के नाम से थोड़ा बहुत जलवायु के वेरिएशन के नाते कहीं अच्छा भी हो सकता है फ्लेवर, कहीं ख़त्म हो जाता है फ्लेवर। तो जैसे अब यही वैरायटी जो है साउथ इंडिया में है, तो साउथ इंडिया में उतनी मिठास नहीं हो पाती है, थोड़ा खट्टापन ज़्यादा रहता है। सेम वैरायटीज़ हैं छत्तीसगढ़ में है, मुझे वो सरगुजा वन, सरगुजा टू इस नाम से जानी जाती है। तो इसे है वैरायटी का क्लाइमेट और सॉइल उनकी गुणवत्ता पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। लेकिन सर, लीची तो जैसे मई जून में आती है तो गर्मी होती है उस टाइम, तो साउथ इंडिया में भी गर्मी का मौसम 12 महीने रहता है, वहाँ क्यों नहीं होती लीची? मतलब नहीं हो रही है, सो ही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर उतना स्वाद में क्यों फर्क? स्वाद जो है क्योंकि इसको एक हाई, जो कहते हैं ना शुगर कन्वर्जन, एसिड शुगर ब्लेंड का बहुत अच्छा एक जो टेम्परेचर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। तो जो अपने यहाँ टेम्परेचर होता है 38 टू
बिलो 40 डिग्री सेल्सियस का वहां और ड्राई क्लाइमेट। तो नॉर्थ की क्लाइमेट जो हमारी मुजफ्फरपुर की क्लाइमेट है, कैल्शियम रिच सॉयल है, वेल ड्रेन्ड है, सैंडी लोम कैटेगरी है और तापक्रम जो है 29-40 के रेंज में, 40 के बिलो गर्व होता है 38 के आसपास का, और ड्राई क्लाइमेट। ये क्लाइमेट होती है जिसमें शुगर और एसिड का ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। साउथ इंडिया में क्या होता है, विंटर जो हमारे यहाँ होता है इस समय साउथ इंडिया में वो फसल पककर तैयार होने जा रही है, अब हार्वेस्टिंग उसकी होगी। इस समय जो होता है क्या है कि वो 29-40 डिग्री का ड्राई टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर होता है 35-36-34 जो भी है, लेकिन वो वेट होता है, इस नाते शुगर का कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इस ब्लेंड का उतना बढ़िया वो नहीं आ पाता, थोड़ा खटासपन उसमें। अगर हम लीची लगाना चाहते हैं उसके लिए मिट्टी टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो कौन से न्यूट्रेंट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं और पीएच लेवल, ये तीन चीजों के बारे में बताइए कि कितना होना चाहिए लीची। देखिए नॉर्मल रूप से जो सॉयल की कैटेगरी है, जैसे होता ना एक थंब रूल उसका होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉयल पीएच 6.5 to 7.5 एक थंब रूल के तहत आता है कि जिसमें हम किसी भी फसल को उगा सकते हैं। लीची के लिए थोड़ा एसिडिक सॉयल पसंद है, मतलब लो तो 6.5 to 7.5 ये आइडियल हुआ। सैंडी लोम सॉयल रिच इन कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, वेल ड्रेन्ड सॉयल होना चाहिए तो लीची की फसल बहुत अच्छी होगी। टेम्परेचर जो है वो मतलब कैल्शियम मेन चीज है कि कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, मतलब इसके लिए थोड़ी उसकी है। तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर अगर अच्छा है तो उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर अगर कम है जमीन में तो आपको एडिशन करके देखे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, क्योंकि हम 3x3x3 फीट का लगभग 1x1 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, अगर उसको बहुत अच्छे से तरीके से ऑर्गेनिक मैटर और चीजों को भर दिया जाए तो हम थोड़ी अच्छी चलता भी है और थोड़ा सॉइल का पीएच अगर 8 भी है तो भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस नाते एडवर्स जो सॉइल कंडीशन है उसमें भी गड्ढे की साइज और उसके मटेरियल के आधार पर भी हम जमीन में जो है उसका एडवर्स वाली जो जमीनें हैं उसमें भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमारा पीएच 6 से लेकर 7.5 तक है या 8 तक है और आपको कैल्शियम रिच है, कैल्शियम की कमी नहीं, ऑर्गेनिक कंटेंट रिच है और कैल्शियम की अच्छी मात्रा है तो आप उसमें लगा सकते हैं। अब सर लगाने के लिए जो हम गड्ढा खोदते हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें हमें डालनी चाहिए? एक बाई एक मीटर या 3x3 फीट का ये गड्ढा के फ्रूट क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट है। खोद लिया, इसके खोदने के बाद जहाँ तक संभव हो इसको गर्मी के मौसम में खोला जाए, 15 से 20 दिन जो है इसको छोड़ दीजिए तो बढ़िया स्टरलाइज हो जाता है। जितना एलिमेंट्स हैं बीमारी या फंगस या बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े सब जो है, इतनी तेज उस समय धूप होती है वो पूरा सिस्टम को गड्ढे के उसको दुरुस्त कर दीजिए। अब उसके बाद जो है भरने के लिए 15 जून से पहले गड्ढे को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें, अगर संभव है बहुत चीजें तो अगर गड्ढे की थोड़ा गहराई 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए और उस 15 सेंटीमीटर में भरने के समय थोड़ी सी ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा, जैसे सूखी पत्ती हो गई, ड्राई लीव्स हो गई और थोड़ा सा गोबर की खाद, थोड़ा सा नीम वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इन सबको मिला के जो एक्स्ट्रा 15 सेंटीमीटर खोदे हैं उसको एक परत के रूप में डाल भर दीजिए। इसके बाद जो मिट्टी आपने खोद के रखा, मिट्टी को भी गड्ढा खोदते समय कोशिश करें कि तीन भागों में बांट के रखें, 1 फीट ऊपर की मिट्टी अलग रखें, 1 फीट बीच वाली मिट्टी अलग रखें, 1 फीट नीचे वाली मिट्टी, होता क्या जनरली 1 मीटर गहरे हो सकता है, गहराई में हो सकता है कि नीचे की मिट्टी 1 फीट खराब, उस मिट्टी को हम ओमिट कर देंगे, बाकी 2 मिट्टी को 50 से 60 किलो, 40 से 50 किलो गोबर की खाद, 1-2 kg बर्मी कंपोस्ट और नीम की खल्ली से मिला के उसको जो है जमीन से 15 सेंटीमीटर ऐसे तिरछा भर देते हैं। बारिश होती है, एक बारिश होगी तो गड्ढा सेट होकर जमीन के लेवल पर आ जाएगा। वो जो 15 सेंटीमीटर मैंने बताया, 15 सेंटीमीटर भरते हैं आप गड्ढे को, 15 सेंटीमीटर जो गड्ढे का भराव किया जाता है वो उसमें आसानी ये होती है कि आपको लेटर आना, पौधा जब ग्रो करेगा 3-4 साल बाद जब जमीन
उस स्तर तक जो लेयर आपकी है तब तक वो सड़ के बढ़िया जो है एक लेयर बना देती है नीचे, 1 मीटर नीचे गहराई में। वहाँ जब जड़ पहुँचती है तो उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट आगे को मिलता है, नीचे पेनिट्रेट करने में जड़ों को आसानी होती है, वहाँ आपका न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब का कंजर्वेशन जो है वो अच्छा होता है, तो आपका आगे की जो होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लीची में मोर्टेलिटी बहुत आती है पहले 2-3 साल में, 30-40% तक मोर्टेलिटी आ जाती है। तो इसमें अधिकतम मोर्टेलिटी कितनी आती है जो आपका अनुभव है, और इसे कैसे कम कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं मोर्टेलिटी कम करने के, वो बताइए। देखिए मोर्टेलिटी, चूंकि लीची का पौधा बूटी से तैयार होता है, एयर लेनिंग से तैयार होता है, तो इसकी रूट्स जो होती हैं वो ब्रिटिल नेचर, सेकेंडरी रूट्स, ब्रिटिल रूट्स होती हैं। पहली बात होना चाहिए कि पौधा लगभग साल भर से कम पुराना नहीं होना चाहिए। जब उसकी फाइब्रस रूट्स डेवलप हो जाए, जैसे अब आपको कोई नर्सरी वाला है 3 महीने का पौधा पॉलिथ बैग में लगा है आपको, साल भर से आपका तात्पर्य है कि जब हमने उसको गुटी से काट के उसमें थैली में लगाया उसके बाद साल भर होना चाहिए, लगभग 8-7 महीने होना चाहिए, वो 1-1.5 महीना वो गुटी की प्रक्रिया में रहता है, 7-8 महीने, मतलब अगर जुलाई का पौधा कटा है तो अगले फरवरी मार्च से उसकी सेल होनी चाहिए। अब अगर उसको अक्टूबर से बेचना है आपने शुरू कर दिया तो क्या होता है, उसकी फाइब्रस रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बढ़िया। तो जब आप फील्ड में शिफ्ट करेंगे, अब जुलाई का पौधा है अक्टूबर में आपने लगा दिया, आगे उसकी जो है वो ठंडी का मौसम आ जाता है, तो क्या होता है सिस्टम जो है ऑन नहीं हो पाता है, फाइब्रस रूट्स काम नहीं करते हैं, ठंडी के मौसम में मॉर्टेलिटी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह गर्मी का है, सितंबर अक्टूबर तक आपने गूटी लगाई है, फरवरी में आपने पौधा लगा दिया, 3 महीने वो ठंडी में रहा, रूट्स भी डेवलप नहीं हो पाई, तो वहाँ अगर लगाएंगे तो पौधा फिर मॉर्टेलिटी, आगे गर्मी है, गर्मी में वो कोप अप नहीं कर पाएगा पौधे, एक तो ये रीज़न हो गया। तो इस नाते 8-9 महीने पुराने पौधे जो गूटी कटने के बाद हों, लगभग 1 साल वाले, उन्हीं को ही बाग स्थापना के लिए यूज़ करना। दूसरा, नर्सरी से लेते वक्त यह ध्यान रखें जिसमें नई पत्तियां आई हों उन पौधों का ट्रांसपोर्ट न करें, पत्तियां 1-2 महीने पाक, जैसे गमले में उसमें पॉली बैग में रखा हुआ है, पॉली बैग में पुरानी पत्तियां हों, ग्रीन कलर वाली पत्तियां हों जिसमें नई फ्लस आए हुए हों, नई फ्लस आए, उन पौधों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, फ्रेश जो लीव्स आती हैं न्यू लीव्स, उनकी रिक्वायरमेंट उसको इस्टेब्लिश करने में, जो बगीचे में स्थापना करने में नए समय पर लगाने पे उसमें भी मॉर्टेलिटी के चांस हो जाते हैं। तीसरा जो अहम फैक्टर है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करके पौधे को ले आए पॉली बैग्स में, आप चाहे 25 किलोमीटर ला रहे हैं चाहे 200 किलोमीटर ले आ रहे हैं, लाने के बाद कम से कम उसको 1 हफ्ता जो है वो रखा जाए, रखने के बाद थोड़ा पानी वगैरह दे के फिर जिससे मिट्टी स्थिर हो जाए, बाइंड हो जाए, तब उसको जो है वो 10 दिन बाद उसको फील्ड में ट्रांसफर करना चाहिए। शुरुआती लीची में 2 साल तक कोशिश की जाए केवल अगर ऑर्गेनिक मैटर ही लीची को दिया जाए तो वो ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा अच्छा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका कम उपयोग किया जाए। सिंचाई करते वक्त ध्यान रहे कि मतलब गहरी सिंचाई, हैवी इरीगेशन ना हो, लाइट इरीगेशन हो, मल्चिंग वगैरह जो बाकी प्रक्रिया है अगर वो नॉर्मल रूप से जो हॉर्टिकल्चर के ऑपरेशन हैं मल्चिंग वगैरह पौधे की करके रखेंगे तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर शुरुआती दौर का। सर जैसे हम अमरूद और नींबू में ये रिकमेंड करते हैं कि जो उसका ट्रंक होता है, तना होता है, कि उसके पास पानी नहीं टच होना चाहिए, पानी थोड़ी दूर रखें ताकि वहां तक नमी पहुंचे, वो सब पौधों के लिए जितने वो भी ध्यान रखें, वो हॉर्टिकल्चर की टेक्नोलॉजी है, नॉट स्पेशलाइज्ड, जो सब पौधों के लिए। मैंने सर कई बागवानों में देखा है जाकर के उन्होंने ड्रिप लगाई हुई है और वहां एक गड्ढा सा बना दिया और इतना ड्रिप का पानी तेज है कि उसमें कई घंटे तक पानी भरा रहता है। मैंने कहा ये आपके जो है ट्रंक को खराब कर देगा, इसमें वो टेक्नोलॉजी सर, वो दुनिया भर वो टेक्नोलॉजी का ही। सर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी और अधिक बरसात से बचाने के लिए पौधों, छोटे पौधों को क्या करें? आपको बताया ना कि आपको पहली बात जो है जैसे अधिक गर्मी के लिए, हाँ,
अधिक गर्मी में पहली बात कोशिश हो कि पौधे की मल्चिंग मल्चिंग करें। अच्छा, छोटे पौधे अगर हैं तो हमारा मिनिमम वीकली जो है, अगर सैंडी लोम सॉइल है तो 4-5 दिन में हल्की इरिगेशन, और अगर थोड़ा भारी सॉइल है थोड़ी उसकी तो हफ्ते भर। मल्च डगर है आपका बगीचा, पौधे मल्चिंग अगर उसकी हो तो हफ्ते भर, जनरली हफ्ते गर्मी में। ठीक, जाड़े में जो है 10 से 12 दिन, 10 से 15 दिन भी उसका हो सकता है। पौधे जब 4-6 महीने पुराना हो जाएगा तो उसको ठंडी में अगर साल भर के कम उम्र का पौधा है तो थोड़ा जो वीक हैवी ठंडी पड़ती है जहाँ टेम्परेचर 1- या मतलब 1-2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पौधे को अगर कवर करके उस समय जब एकदम पीक ठंडी का रहता है उस समय जो है थोड़ा पौधे को अगर प्रोटेक्ट कर दिया, पता ना झोपड़ी टाइप का थोड़ा बना देते मतलब थोड़ा कवर करते हैं विंटर पॉलिथीन से या और से, अगर आप पराली वगैरह, अगर आप जैसे 10-10 मीटर पर पौधे लगाए हुए हैं तो खुला मैदान हो गया उसमें ठंडी का अटैक ज्यादा हो सकता है। तो कोशिश हो कि जो हम क्रॉप वगैरह लगाते हैं ना जैसे सरसों वगैरह की क्रॉप अगर नीचे लगाते हैं अगर वे विंटर में लगा देते हैं तो पौधों का प्रोटेक्शन भी हो जाता है और जो वाटर वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी जो है उनकी पूरी हो जाती है। तो विंटर को और समर को अगर 10-10 मीटर पर पौधे लगाए हैं तो इंटरक्रॉप के सहारे उनको मदद की जा सकती है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा सर, 1 साल वाले और 2 साल वाले जो पौधे मैंने देखा था वेबसाइट पर आपकी जो बताए दिखाए गए थे, इनमें से कौन से पौधे लगाना बेहतर होगा अच्छे करने के लिए? देखिए, जो 2-3 साल के पौधे ढूंढे जाते हैं किसानों के द्वारा जिनकी वो होती है उसमें क्या होता है कि वो पौधे इस नाते लगाने के लिए प्रेफर किसान करते हैं कि बकरी ना खाए, जानवर ना खाए चीज़ों का, वरना बड़े पौधे जो हैं उनको आप पॉलीथीन में, जिनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 2 साल के पौधे की जो होती है वो पॉली बैग में पूरी नहीं की जा सकती, तो इस नाते वो पौधा एक तरह से कुंठित टाइप का पौधा उसका वो हो जाता है, जड़े जो है क्वाइल होना शुरू हो जाती है। हाँ, वो मैंने देखा बिल्कुल बिल्कुल उसका, तो उसको क्या स्थापित करेंगे तो उसमें 1 साल से ज्यादा तो पौधे की वो मोर्टेलिटी के चांस और बढ़ जाएंगे चीजों का। और दूसरा क्या होता है कि आपको मुजफ्फरपुर से 3 साल वाले पौधे 2 साल वाले पौधे ट्रांसपोर्ट करना है, एक में 20 से 25 केजी, 20 से 15 से 20 केजी सॉइल होती है, आप 300 पौधे नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, 500 पौधे नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। छोटे पौधे जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, जैसे हम नॉर्मल रूप से अपने बच्चों का ही ले लीजिए कि छोटा बच्चा है चम्मच से दूध पिलाते हैं फिर थोड़ा खिलाते हैं फिर थोड़ा खिलाते हैं चीज़ों, और वो उसका जो है कि वो 4 साल तक कुछ नहीं दीजिए, 5वें साल से काजू बादाम किशमिश और पूरा भोजन कराइए तो ऐसा थोड़ा है कि बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। उसी तरह पौधे के 4 साल तक उसको एकदम सीमित दायरे में रखिए, 5वें साल में तो क्या होगा कि आपकी सारी कनापी बिल्डअप ढंग से नहीं होगी, पौधे का जितना आप छत्रक बनाना चाहते हैं वो बिल्डअप नहीं होगा, पौधा जो है इस्टेब्लिशमेंट में आपको समस्या उसकी आएगी। तीसरा थे बहुत उम्र दराज पौधा जो है वो लगाने से जो है हमारी वो अच्छी नहीं होती है। इसकी कटिंग वगैरह भी करनी, कैनोपी भी बनानी पड़ती है। कैनोपी जो है कब पहली कटिंग कब करनी, जो 2 साल तक तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, 2 साल के बाद 1-1.5 फीट जो है 2 फीट तक लगभग तना क्लीन होना चाहिए, जो डाले या शाखाएं वो बेसिक रूल जो सब में होता है क्लीन हो। उसके बाद जो है कोशिश हो कि अगर 3-4 डालियां मिल जाती हैं तो लीची में 4 डालियां कैनोपी बनाने के लिए मुख्य जो है उनको 2 फीट के ऊपर बनाना शुरू करना चाहिए। तो क्या है कि जैसे 2-2.5 साल का पौधा हो गया तो इसके बाद जो एपिकल ग्रोथ होती है उसको पिंच कर दीजिए तो वहां से डालियां साइड से निकलना शुरू हो जाए, उन्हीं डालियों के ऊपर बेस बनाया जाना चाहिए। पौधा लगाने के बाद जो 2 साल तक की हम बात करते हैं ये हम अपना स्कोप बना लेते हैं, तो उसको दूसरा खाद कब देना चाहिए सर? आप ऑर्गेनिक जो छोटा पौधा है जिसकी रेगुलर ग्रोथ होती है, हाँ, तो हमको जो ग्रोइंग सीजन है, हमारा ग्रोइंग सीजन कौन हो सकता है? फरवरी, अक्टूबर, फरवरी, जुलाई, जुलाई, ये ग्रोइंग हमारा सीजन हुआ। 5 साल तक के पौधे को अक्टूबर महीने में, फरवरी महीने में और जुलाई महीने में खाद आवश्यक है,
चूंकि लेबर की समस्या और सब चीजें थोड़ा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, तो अगर इसका नहीं होता तो फरवरी और सितंबर में जुलाई जुलाई इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर का यूज करें। अब छोटे पौधों के लिए उनकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, अब 2-4 किलो गोबर की खाद, थोड़ा आधा के जी बर्मी कंपोस्ट, 250 ग्राम नीम केक अगर नहीं मिलती है तो वो जो पाउडर आपको बताया ठीक है उसका उपयोग करके उनको उसमें रिक्वायरमेंट उसकी 2 साल के बाद फिर केमिकल फर्टिलाइजर इंटीग्रेट करना शुरू करना चाहिए। सर हर पौधे में छोटे में कोई ना कोई रोग होता है, तो कोई ऐसे जो रोग जो 2 साल तक के पौधों में आते हों और उनकी सावधानी क्या करें वो जरा। लेकिन लीची के पेड़ में तो बहुत ज़्यादा डिजीज का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अच्छा। नर्सरी अगर बहुत से भी सिचुएशन में है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, तो वहाँ से अल्टरनेरिया एक जो पैथोजन होता है, जो बीमारी लेके आता है लीफ स्पॉट टाइप का, उस डेवलप होता है, वो कैरी कर सकता है। तो उसके लिए पौधा लाने के साथ ही जो कोई फंजीसाइड का जो है वो छिड़काव जो है वो करके जमीन में नहीं नहीं पौधे के ऊपर पौधे के ऊपर लगा, इसके बाद जैसे कार्बन डीज़म जो भी है तो जो फंजीसाइड है उनका एक नर्सरी के लिए जो उपयुक्त है कार्बन डीज़म लगाने के बाद उसको जो है लगाने के बाद आप उनको बाग में स्थापित करें। मेजर आता है इंसेक्ट का। सर जमीन में जब हम गड्ढे में लगाते हैं उस टाइम हमें कोई ट्राइकोडर्मा बवेरिया बसियाना वो तो जब ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं तो उसमें सब ट्राइकोडर्मा जो है उसको भी जो है बवेरिया बसियाना बवेरिया बसियाना तो जमीन के उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, इसमें तो लीची का हम लोगों ने कोई इस तरह का वो नहीं किया है, लेकिन हमारा जो ट्राइकोडर्मा है यहाँ उसके लिए बहुत अच्छा प्रभावी है, बहुत अच्छा स्ट्रेन है, बहुत अच्छी वो और उसका ग्रोथ में बहुत मददगार है वो। तो जो मेजर इंसेक्ट की प्रॉब्लम आती है लीची में, तो जो छोटे पौधे हैं उसमें जो है वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको पूर्ण सुरक्षा के लिए, तो जैसे आपका साइपरमेथ्रिन है, डेल्टा मेथ्रिन है, ये जो थियाक्लोपिड है, इन अल्फा दैट साइलोथ्रिन है, इनका जो है छिड़काव जो है एक्टिव ग्रोइंग सीजन जो होता है उसी में ज़्यादा कीड़े का, जब नई पत्तियाँ निकलती हैं तभी कीड़ों का भी अटैक होता है, तो जो इंसेक्टिसाइड की उसकी उदय अगर इनका प्रभाव आता है, कीड़े 2-4 पत्तियाँ खाना शुरू कर देते हैं उस समय इनका छिड़काव कर देना चाहिए, बाकी किसी और चीज़ के। और नॉर्मल रूप से जो पौधों के लिए बोलते हैं ना कि बारिश से पहले बारिश के बाद, ये जो अपना फंजीसाइड का अगर सेफ उसके लिए जैसे आपका ये होता है ना COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका छिड़काव कर दे तो जो नॉर्मल डिजीज और उनका प्रोक्यूरेंस कम होता है। तो लीची में बहुत ज़्यादा डिजीज की, जब हम नर्सरी में पौधे खरीदने जाते हैं तो कैसे पहचान करेंगे कि ये चाइना लीची है और ये शाही लीची है? देखिए उसके 2-3 पॉइंट हैं। एक तो जो सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि जो पौधे में नई पत्तियाँ आती हैं वो अगर चाइना वेराइटी के या चाइना ग्रुप के अगर वो वेराइटी के पौधे हैं तो उसमें ब्रॉन्ज कलर में लीफ आती है। अच्छा। जो लाल कलर में जो है पत्तियाँ आती हैं, और अगर शाही ग्रुप का है तो वो जो है उसमें जो है हरी पत्तियाँ आती हैं, उसमें कलर नहीं अपीयर होता है, वो एकदम हरी पत्तियाँ रहती हैं। तो शाही ग्रुप में वो बताया ना शाही है तो अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो सेम डुप्लीकेसी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस ग्रुप की वेराइटी है। तो ब्रॉडर टर्म में जो है वो दोनों ग्रुप मैक्सिमम इन्हीं दो ग्रुप में वेराइटीज आसपास रहती हैं, तो ये दोनों के अंतर। और दूसरा क्या है कि थोड़ा पत्तियों का कलर, थोड़ा शाही के पत्तियों का कलर थोड़ा डार्क कलर में होता है, चाइना की पत्तियों का कलर जो है थोड़ा लाइट कलर में होता है, चाइना की पत्तियां जो है थोड़ा खुले शेप में होती हैं, चौड़ी होती है थोड़ा खुले शेप में होती है, और जो शाही की पत्तियां हैं वो बोट आकार के नाव के आकार का थोड़ा दोनों तरफ से मुड़े के कर्व पत्तियां होती हैं, यही अंतर है। तो मेजर जो न्यू अपीयरेंस अगर लीफ का है तो उससे जो है एकदम क्लियर कट आप बन जाएगा। अच्छा सर, जो हमारी ये पौधा है हम कहते हैं कितनी हाइट है, उसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाती है? मेजर तो देखिए ऐसा है कि अब आप जमीन से अलग अलग हिसाब किताब है, जो जमीन से मापिएगा तो 6 इंच ज़्यादा होगा, जो पॉलीबैग में है तो पॉलीबैग का पोर्शन तो जमीन के अंदर चला जाता है, तो
तो उसका हाइट तो किसी उसका मेजर तो हाइट का मेजरमेंट जो जमीन के लेवल पर पॉली बैग की ऊपर से जो जहां जहां से पौधा तना है, तना है जहां से जो जमीन के ऊपर का पोर्शन है जो पॉली बैग के जहां से तना दिख रहा है वहीं से उसकी हाइट, क्योंकि उसके नीचे का पोर्शन तो जमीन में जाना है तो उसी की हाइट और ऊपर जहां से पत्ती शुरू होती है जहां से ब्रांचिंग ब्रांचिंग शुरू होती है वहां तक की वहां तक का, क्योंकि ऊपर के ब्रांचिंग का तो आज ले रहे हैं कल उतना और बढ़ जाएगा, कल उतना कटाई छटाई प्रूनिंग करेंगे तो वो फिर उसी लेवल पे आ जाएगा। तो वो हाइट का जो मेजरमेंट होता है जहां से ब्रांचिंग उसकी होती है चीजों का वो उसी पोर्शन है, और जमीन पे जो जहां तक पौधा जमीन में लगा हुआ, इवन रियल मेजरमेंट अगर एक्सपेरिमेंटल और उसके लिए होता है तो वो जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर और मार्क करके वहाँ लिया जाता है। अच्छा सर, शुरू में जब हम लगाते हैं, जब हमने 30x30 फीट पर लगाया तो क्या हम शुरू में के कुछ सालों में कोई इंटरक्रॉप ले सकते हैं? बिल्कुल, लीची में पूरे लाइफ जो है इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है लीची के साथ बहुत अच्छी। कैसे? जैसे जैसे उन्हीं क्रॉप को लेना चाहिए जिसकी मैचिंग ग्रांट इससे मिलती हो, लेकिन 5 साल तक जब तक पौधा वेजिटेटिव फेज में रहता है। अच्छा। तो आप सब्जियां इवन बनाना, बनाना बहुत यूजफुल है शुरू के 3-4 साल के लिए। अच्छा। एक क्रॉप लगाइए और एक रेटून लीजिए, उसके बाद हटा दीजिए, उसी में कंटिन्यू नहीं करना है तो, और नहीं तो जो अपनी वेजिटेबल्स है पौधे से 1 मीटर इधर 1 मीटर उधर छोड़ के बीच की क्रॉप को आप यूटिलाइज वेजिटेबल्स के। शहर आपके बड़ा शहर नजदीक है, फ्लावर का अगर स्कोप हो तो सारे फ्लावर्स की जो स्कोप लीची के साथ है जब तक 5 साल का पौधा है। जब पौधा फ्रूटिंग में आ जाता है तब नहीं करें, तब जो है वो क्रॉप बदल जाती है, तब जो है वो क्रॉप ली जाती है जिसका विंटर में रिक्वायरमेंट बहुत कम हो। जैसे आपका यहाँ ओल बोलते हैं, ओल का मतलब सूरन, जैसे नॉर्थ इंडिया में सूरन बोलते हैं, एलिफेंट फुटियाम तो वो है, अरवी है, जिंजर है तो जिंजर में थोड़ा राट वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो टर्मरिक और सूरन एलिफेंट फुटियाम ये जो दो हैं ये फ्रूटिंग वाले ऑर्चर्ड में सबसे ज़्यादा बढ़िया है, इसके पूरा बिहार का सबसे अच्छी सबसे सुटेबल फ्रूटिंग क्रॉप के लिए ये उसकी है। इसमें विंटर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अप्रैल में लगती है और सितंबर अक्टूबर तक इसकी सारी प्रक्रिया जो है वो उसके बाद वहाँ से खुदाई फिर आती है। साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर एसडी पांडे को, ये एक छोटा सा इंटरव्यू था और हमने लीची के बारे में उनको शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई लीची के बाग लगाने की सोच रहे हैं उसके बारे में हमने आधारभूत सभी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आप इन बातों को मानेंगे, ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सारांश में आपको इसको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो बताई हैं दो वैरायटी बताई हैं डॉक्टर साहब ने, शाही लीची और चाइना लीची। शाही लीची बहुत अच्छी लीची है, पहली बात। दूसरी बात, इसे 10x10 मीटर पर लगाएं यानी 30x30 फीट पर लगाएं, इससे कम ना लगाएं, और गड्ढा लगभग 3 फीट बाई 3 फीट बाई या 1 मीटर बाई 1 मीटर का करते हैं और उसमें वे सभी चीज़ें डालें, उसको स्टरलाइज करें और पौधा लगाएं। पौधा कोशिश करें कम से कम 1 साल का हो, 1 साल का हो, ज़्यादा की कोशिश ना करें तो 1 साल का उचित पौधा होता है। पौधा लेते समय ये ध्यान रखें कि उस पर नई पत्तियाँ न आई हुई हों, कि जब आप लेकर कहीं जाते हैं तो उसमें नई पत्तियाँ न हों, क्योंकि जब उसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें समस्या आती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें बहुत अधिक रोग का नहीं होता है, पानी का बताया है, तने से पानी नहीं लगना चाहिए, आपको नमी थोड़ी बनाकर रखनी है, अधिक गर्मी में मल्चिंग कर दीजिए, और अगर आपके यहाँ फ्रोस्टिंग होती है थोड़ा पाला वाला पड़ता है उससे जो हम नॉर्मल उसकी देख रेख करते हैं, सरसों बो दीजिए, कोई ऐसी चीज़ उसमें थोड़ा बड़ा जो उनको प्रोटेक्ट करके रखे, या आजकल लोग पॉलीथीन भी लगा लेते हैं, इस तरह की काम करेंगे। अगर इस प्रकार कोई भी कार्य करेंगे आप ध्यान से करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया हमें बहुत, अभी हम नर्सरी जाएंगे
और इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं और आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।